नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला रेल मजार के अंतर्गत रहने वाले मृतक पत्रकार आशु यादव का है। ज्ञात हो कि विगत 1 जनवरी की सुबह पत्रकार आशु यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके इंसाफ के लिए परिवारजन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यालय पहुंचे। पत्रकार आशु यादव की गला घोटकर निर्मम हत्या कर उसकी डेड बॉडी उसी के चार पहिया में CTI चौराहे के पास बनी नहर सरस्वती शिशु मंदिर के पास कार में पाई गई थी, जिसके दो आरोपी पकड़े गए, लेकिन दो मुख्य आरोपी दीपिका शुक्ला व अमित गुप्ता जो कि अभी भी फरार है। आशु यादव की बहन सानू यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रो रो के मांगी इंसाफ की भीख। वहीं पत्रकार आशु यादव की बहन सानू ने बताया, हम लोग कानपुर SSP व IG तथा मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना पत्र भेज चुके हैं, मगर अभी भी 1 महीने बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। आज हमारा पूरा परिवार बड़े ही विश्वास से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इंसाफ की गुहार के लिए आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शोक व्यक्त करते हुए मृतक आशु के परिवारजनों को इंसाफ का भरोसा दिया और मृतक पत्रकार की पत्नी को मदद हेतु 2 लाख रुपए का चेक सौंपा और बोले, जब भी कोई सच्चा कलमकार समाज की सही सच्चाई दिखाता है तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं पत्रकार आशु यादव की हुई दर्दनाक हत्या का मामला लोकसभा से लेकर विधानसभा में पत्रकार हत्याकांड की हत्या का आवाज उठाऊंगा। मुख्य हत्यारोपी दीपिका शुक्ला व अमित गुप्ता जल्द ही होगी गिरफ्तार। आशु यादव के परिवारजनों के साथ पहुंचे समाजवादी पार्टी से रमेश यादव, समाजवादी युवा सोच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माही सिंह यादव, समाजवादी युवा सोच संगठन की प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रवीण यादव आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा दैनिक अमर स्तंभ टीम के साथ ही पप्पू यादव, मुकेश यादव, राजेश यादव एवं मनीष गुप्ता सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। जी, मैं माही सिंह यादव, समाजवादी युवा सोच संगठन से प्रदेश अध्यक्ष। जी, आज आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ी हैं, क्या किन मुद्दों के लेकर आए थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास क्या प्रकरण था? कानपुर के क्या था, हमारे स्तंभ के चीफ ब्यूरो थे, उनका मर्डर एक्चुअली 1 तारीख को हो गया था, 1 जनवरी को, जिसकी सुनवाई कानपुर में हमने सभी के पास करी, लेकिन कोई भी परिवार पीड़ित को कोई राहत नहीं मिली, ना इसकी सुनवाई सुनी किसी ने। इस वजह से आज हमें यहाँ पर आना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस केस को हाउस में भी उठाएंगे और इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार जो है, पीड़ित परिवार है, उसको 2 लाख का चेक भी दिया है। अच्छा, अभी हाल ही में जो इंडियन प्राइम न्यूज़ के संपादक विजय यादव जी के ऊपर जो मुकदमा हुआ था, इस प्रकरण को लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? देखिए, वो तो सभी के साथ ही हैं और जो भी मुद्दे उठ रहे हैं, ये हम लोगों की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक इनके कानों तक पहुँचे, और जब इनके कानों तक पहुँचती है वो बात, तो वो बात कभी खाली नहीं जाती है। ठीक है, तो उसमें जो भी विषय होता है उस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होती ज़रूर है, और जो भी थे सारी चीज़ें उनके सामने कही गई और वो इस चीज़ से उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी चीज़ें उनकी कार्रवाई होगी। जी, मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से मदद की है आशु यादव की? जी, उन्होंने परिवार पीड़ित को 2 लाख का चेक भी चेक दिखा सकती है, कैमरे में चेक दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया? जी हाँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया, पीड़ित परिवार को 2 लाख का चेक है, हाउस उठाने पर बोला, और हाउस में उठाने के लिए भी इस मुद्दे को बोला गया है। उदयवीर विधायक जी को जिम्मेदारी दी गई है हाउस में उठाने के लिए। चीज में करके रखी, ऐसे बारह मोड़ी ही नहीं। हाँ सर, आपका परिचय? मैं रमेश यादव, समाजवादी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आशु कांड को लेकर हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास आए थे, जो इनकी पहचान है जनता की सेवा कैसे करते हैं, और आशु परिवार को 100% भरोसा दिलाया है मुझे, 100% मुझे विश्वास है कि परिवार की मदद करेंगे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 लाख की चेक दी है और इसको विधानसभा मैं मुद्दा को उठाया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में इस मुद्दा को उठाएंगे और परिवार को न्याय मिलेगा। जी, आपका परिचय? मैं मृतक आशु यादव की पत्नी हूँ, कल्पना यादव। जी जी, आप यहाँ पार्टी कार्यालय के बाहर किस लिए आई हैं? मैं माही मैम के साथ आई हूँ, जो कि समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। मैं अपने पति के लिए इंसाफ मांगने आई हूँ। क्या क्या आश्वासन मिला, क्या इंसाफ मिला आपको? मुझे उम्मीद है कि मेरे पति के जो कातिल हैं, जिन्होंने उनकी हत्या की है, मुझे इंसाफ मिलेगा यहाँ से। मुख्यमंत्री की तरफ कोई सहयोग भी आपको किया गया है? मुझे 2 लाख रुपए का सहयोग दिया गया है। ठीक है, और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? मुझे यही आश्वासन दिया है, जिन्होंने उनकी हत्या की है, राजू अपना, सोनकर, आदित्य सोनकर, वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे जल्द से जल्द।